साथियों, आज हम आपको कराते हैं बागेश्वर का प्रसिद्ध बैजनाथ धाम के दर्शन। हम लोग बागेश्वर से चल पड़े हैं देहांगण होते हुए, आगे गागरीगोल से होते हुए गोमती नदी के किनारे किनारे बैजनाथ की ओर। बैजनाथ धाम भगवान शिव का ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर कार्तिकेयपुर के नाम से यहाँ पर पहले जो राजा यहाँ पर आए थे तब से ये स्थापित है और कत्यूरी राजवंश के जो राजा लोग थे उनकी राजधानी इस कत्यूरी क्षेत्र में हुआ करती थी। बने रहिए वीडियो के साथ और पूरी वीडियो देखिए, आपको हम दर्शन कराएंगे बैजनाथ धाम की। कत्यूर घाटी का यह एरिया बहुत समृद्ध एरिया जाना जाता है हमारे बागेश्वर ज़िले में और उत्तराखंड में। कहा जाता है कि यहाँ पर कत्यूरी राजा नरसिंह देव ने अपनी राजधानी सबसे पहले यहाँ पर बसाई थी और 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक कत्यूरी राजवंश की राजधानी यहाँ पर रही थी। बने रहिए वीडियो के साथ, आपको दर्शन कराएंगे बैजनाथ धाम। गरुड़ तहसील में आता है और यहाँ के प्रसिद्ध कत्यूरी घाटी का नज़ारा आप देख रहे हैं। यहीं से एक रोड ग्वालदम होते हुए गढ़वाल की ओर निकलती है। अगली वीडियो में आप देखेंगे गढ़वाल वाला हमारा पूरा एरिया और इस वीडियो का पहला पार्ट आप देख रहे हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग पहुँच चुके हैं गोमती नदी में पड़ने वाला ये पुल को पार करके बैजनाथ मंदिर। बहुत प्राचीन मंदिर है, कत्यूरी काल का मंदिर आपको दिखाएंगे। बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में ये मंदिर पड़ता है और ये गोमती नदी आप देख पा रहे हैं। गोमती नदी के तट पे ये मंदिर स्थित है और यही गोमती नदी आगे बागेश्वर जाकर सदयू से संगम में मिलती है और बागेश्वर बागनाथ मंदिर इसे गोमती और सरयू के संगम पर स्थित है। बने रहिए वीडियो के साथ और हम लोग चल पड़े हैं बागनाथ मंदिर की ओर। गोपाल माते बैजनाथ का यह प्रसिद्ध धाम अपने पौराणिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कत्यूरी जो राजा थे उनके अलावा चंद और मणिकोटी शासकों के द्वारा यहाँ पर अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया और साथ ही साथ पुनर्निर्माण भी यहाँ पर कई राजाओं के द्वारा किया गया है। तब यहाँ पर अनेक प्रकार के मंदिर देखने को मिलते हैं और लगभग 18 मंदिरों का ये पहले एक समूह था जिसके सेंटर में भगवान शिव का मंदिर आप अभी देखेंगे अंदर जाने के बाद। अब यहाँ पर कुछ अवशेष मात्र ही मंदिर यहाँ पर बचे हैं। प्राचीन काल में ये बहुत भव्य हुआ करता था ऐसा बताया जाता है।
बैजनाथ से लगभग 10 किलोमीटर की जो एरिया है उसमें आज भी बहुत सारे पौराणिक काल के मंदिर पाए जाते हैं और आजकल शानदार झील यहाँ पर बनी हुई है। गोमती नदी का ये पवित्र गंगा जल के रूप में यहाँ पर माना जाता है और पिछले 2-3 साल से यहाँ पर बोटिंग यहाँ पर दी गई है सरकार के द्वारा। इसको एक झील और पर्यटन स्थल के रूप में बागेश्वर जिले का एक प्रसिद्ध डेस्टिनेशन पर्यटन के लिहाज से बैजनाथ बैराज को बनाया गया है, जहां पर पानी को स्टॉप करके यहां पर बोटिंग की सुविधा सभी देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को दी जाती है। और बैजनाथ मंदिर जो कि कचूरी काल से यानी 7वीं-8वीं शताब्दी से यहां पर ये प्राचीन मंदिर यहां पर बना हुआ है। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि कैसे बैजनाथ मंदिर में ये शानदार इन मंदिरों का निर्माण और शानदार पत्थरों से यहाँ पर हुआ है। बने रहिए वीडियो के साथ नागदेव वीडियोस। कितने कौन सी सिटी का भैया बात है? भाई साहब आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया। आपने यहाँ पर आके कैसा चिताया लगा? बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा। पहाड़ी भाषा है, यहाँ के मंदिर पत्थरों से बने हुए हैं, बहुत प्राचीन लग रहे हैं। आपने ऐसा बताया 8वीं सदी के हैं, थोड़ा देखना एक अद्भुत बात है अपने लिए, अपने आप में ही। बिल्कुल ऐसे ही सेम बागेश्वर में है और एक हिमाचल में भी है बैजनाथ जगह, वहाँ पे भी सेम यही स्ट्रक्चर है। बैजनाथ कहाँ पड़ता है हिमाचल में? ये पड़ता है धर्मशाला उस साइड में, वहाँ पड़ता है। वहाँ भी सेम बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अपना नाम बता दीजिए। कुलदीप शर्मा। कुलदीप शर्मा जी और हेमंत शर्मा जी यहाँ पर पधारे हुए हैं हमारे उत्तराखंड में। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हम लोग यहाँ पर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार नौका विहार का आनंद आप बैजनाथ झील में ले सकते हैं और पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ आज यहां पर देखने को मिल रही है। काफी ठंड का मौसम है, दिसंबर जनवरी हैप्पी न्यू ईयर 2022 यहां पर आने वाला है। और गोमती नदी का ये निर्मल जल लगभग 10 फीट यहां पर जल भरा हुआ है और काफी अच्छी मात्रा में मछलियाँ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज 31st के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ रहने का अनुमान है और नौकायान अलग अलग प्रकार का यहाँ पर आप छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक लोग आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। बोले बैजनाथ धाम का ये मुख्य मंदिर, भगवान शिव यहाँ पर कहा जाता है साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं। बाबा बैजनाथ जी के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं, शिव जी का अवतार। और प्राचीन कालीन ये अनेक एक ही पत्थर पे बनी हुई शिलाएं, चाहे नंदी बैल हो और हनुमान जी शिव जी, अनेक प्रकार की यहाँ पर शिलाएं देखने को मिल रही हैं। और 9वीं-10वीं शताब्दी में ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। ये है बैजनाथ का मुख्य मंदिर भगवान शिव जी का। बैजनाथ के मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर सूर्य मंदिर, ब्रह्मा, कुबेर मंदिर और चंडी, काली आदि देवी देवताओं के मंदिर हैं। और यहाँ पर मौजूद अधिकांश जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उनको पुरातत्विक जो म्यूजियम है संग्रहालय वहां पर रखा गया है और काफ़ी शानदार यहां पर ये कृत्रिम झील आजकल बनी हुई है। साक्षात अवतार यहाँ पर माना जाता है, आप देख सकते हैं काफी प्राचीन कालीन ये मंदिर है। यहाँ पर ना सीमेंट है, ना बजरी है, ना कोई केमिकल है, फिर भी इतनी अच्छी तरीके से 9वीं और 10वीं शताब्दी का बना ये मंदिर माना जाता है। और इनकी तकनीक को देख के ऐसा लगता है कि आज की तकनीक है, ये प्राचीन तकनीक हमारी जो एंशियंट इंडिया की तकनीक है उसके सामने सब कुछ फेल है, क्योंकि इतना
ये लगभग 30 फीट का ये मंदिर बना हुआ है और इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग यहाँ पर अभी भी देखने को हमको नहीं मिल रहा है। आप लोग क्लोज से यहाँ पर देख सकते हैं जोड़ों में, क्योंकि जबकि दो पत्थर या कोई भी दो चीजें चिपकाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक केमिकल फॉर्मूले का प्रयोग होता है, लेकिन ये पत्थर बेसमेंट से लेके बैजनाथ हो चाहे हमारा बागनाथ मंदिर हो, बागेश्वर जिले की ये बहुत प्राचीन धरोहर है। ऐसे कुछ मंदिर हमारे रीमा महरूरी वाले एरिया में मोहली करके एक जगह यहाँ पर पड़ती है बागेश्वर में, इसी प्रकार का स्ट्रक्चर मोहली के जो देवाल शिव मंदिर है मोहली का वहाँ पर देखने को आपको मिलता है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसी प्रकार का पत्थर और इसी प्रकार का फॉर्मूला वहाँ पर मंदिर निर्माण का बताया गया। माते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नारायण अखिल गुरु भगवन् यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवा पगा मस्तके कपाले भाल विदीर्णगर्भं सोयं विभूति भूषणं यस्य